हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रुको 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 बस। अरे मैडम, छुट्टे पैसे तो लेते जाइए। देख के नहीं चल सकती है। सुनो, यस, मीरा कहाँ है? मीरा मीरा शायद बैग स्टेज। प्रीति, मीरा, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी यार। तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा है। शो शुरू होने वाला है इसलिए स्विच ऑफ कर दिया था। पर तू इतनी घबराई क्यों है? तुम्हारी बहन कुहू का क्या हुआ? कुहू को? मीरा, वो कुहू का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? किसी गाड़ी वाले ने ठोकर मार दी उसको। उसकी एक सहेली भी थी उसके साथ। तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था तो उन्होंने मुझे कॉल किया। कहाँ है कुहू? वो पास में किसी हॉस्पिटल में लेकर गए हैं उसे। किस हॉस्पिटल में? वो मुझे नहीं पता यार, यहाँ बहुत शोर है। प्लीज किसी शांत जगह चलते हैं और उसकी सहेली को कॉल करते हैं। हाँ, तुम चलो मेरे साथ। इधर बात कर लेते हैं, ये रूम खाली है। जल्दी जल्दी फोन करो ना। हेलो हर्षा, मीरा से बात करो। हेलो हर्षा, कहाँ है कुहू? हेलो हर्षा, बोल क्यों नहीं रही? हेलो प्रीति, प्रीति ये तो फोन लगा ही नहीं। सॉरी मीरा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आज का ये शो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शो, याद रखना। आज का ये शो प्रसन्नजीत के पिछले शो से काफी अच्छा होना चाहिए। अरे सर, सर सब जानते हैं आप प्रसन्नजीत से हर मामले में बेहतर हैं। वो आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा। और जब लोगों को मैं अपना नया कारनामा दिखाऊंगा उसके बाद तो प्रसन्नजीत को हमेशा के लिए लोग भूल जाएंगे। जी सर। प्रीति, प्रीति यहाँ पे क्या कर रही है? तुम यहाँ मेरे शो में? प्रीति, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम मेरा पीछा करना छोड़ोगी भी या नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती। तो यहाँ पे क्या कर रही हो? देखो एक, मैं यहाँ अपने मतलब से नहीं बल्कि तुम्हारे काम के लिए आई हूँ। तुमसे मुझे कोई काम नहीं करवाना। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सर, सर प्रीति को मैंने ही काम पे बुलाया सर। सर, वो मीरा की बहन का एक्सीडेंट हो गया है। वो आई थी पर वो बहुत जल्दी चली गई। उसने ही मैसेज किया था कि प्रीति सारा काम संभाल लेगी। तो कोई और क्यों नहीं? सर देखिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था और सर प्रीति पहले हमारे साथ काम कर चुकी है और मैं कोई भी नई लड़की को रख कर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था सर। ठीक है, पर आज के शो के बाद ये लड़की मुझे दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है सर। आई एम सॉरी प्रीति। देखो एक सर की बात का बुरा मत मानना। कोई बात नहीं मैनेजर साहब, मुझे एक की बातों का बुरा नहीं लगता। उसे क्या पता कि आज यहाँ क्या होने वाला है। ये भी कोई जादू है? बच्चों का खेल खेल रहा है ये क्या? सर, लेकिन ऑडियंस तो बहुत ही खुश नजर आ रही है। ऑडियंस इसलिए तालियां बजा रही है क्योंकि सस्ते में टिकट बांटे हैं इसने एक ने। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों की तालियों ने यह बात तो साबित कर दी कि जादूगर एके ने अपने एक से बढ़कर एक कारनामों से आपके दिलों को जीत लिया है। लेकिन दोस्तों, अपने दिलों को यही थाम लीजिए क्योंकि अब हम पेश करने जा रहे हैं जादूगर एके के एक हैरतअंगेज कारनामे को। आप लोगों ने एक से बढ़कर एक कारनामे देखे होंगे, किसी को यहाँ से गायब होकर वहां से निकलते देखा होगा। लेकिन आज यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में एके यहाँ से गायब होकर चार चार जगह दिखेंगे, वो भी एक साथ। ना कोई परछाई, ना कोई रिफ्लेक्शन। सर आप हंस रहे हैं, मेरा तो गला सूखा जा रहा है। आप दो बार गायब हुए थे, अब एक के चार बार गायब होके दिखाएगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं जादूगर एक के हैरतअंगेज कारनामे को देखने के लिए? ये अनाउंसर बेकार की बकबक कर रहा है, देखना ये एक का खेल कैसे फेल होता है। तो आइए स्वागत करते हैं जादूगर एक का। Thank you.
दोस्तों इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, हमारे महान जादूगर एके साहब सीधे मंच पर प्रकट होंगे। हाँ भाई, कहाँ रह गए आपके जादूगर एके साहब? सर थोड़ा सब्र कीजिए, बस आते होंगे एके सर। अनाउंसर साहब, लगता है आपके महान जादूगर साहब पब्लिक को उल्लू बनाकर गायब हो गए हैं। सर परेशान मत हो, हम अभी एके सर को लेकर आते हैं। अरे पिट गया ये शो, हमारे पैसे वापस करो। अरे यार कुछ भी कर, बोल कुछ भी बोल, कल्टेन मत करो कल्टेन। चलो भाई चलो, चलो शो फ्लॉप हो चुका है। अरे इससे पहले पब्लिक भड़क जाए एके को ढूंढ के। चलो चलो निकलो निकलो। अरे चलो नहीं चलेगा, चलो चलो निकलो निकलो। अरे यार सर कहाँ गायब हो गए अचानक से एके सर? आज से पहले एके सर का करता कभी फेल नहीं हुआ, ये आज क्या हो गया? मुसीबत हो गई आज का शो, अब पता नहीं कल क्या क्या छपेगा अखबार में एके सर और शो के बारे में। तुम लोग प्लीज क्या यहाँ से थोड़ी देर के लिए जा सकते हो? लेकिन सर। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, सोचने दो मुझे कुछ प्लीज। मर चुके हैं। क्या? अब क्या होगा? सीआईडी को फोन करता हूं। हेलो, हाँ सचिन, क्या पता चला? सर इसके शरीर पे कहीं भी कोई चोट या फिर घाव का कोई निशान नहीं है। अच्छा, तो फिर इसकी मौत हुई कैसे? ये क्या है? सर इसकी लाश हमें इस बॉक्स में से ही मिली, और ये बॉक्स ऊपर और नीचे से खुला हुआ है। दम घुटने से भी नहीं मौत हुई। तो एक बात बताइए, क्या एके की तबीयत ठीक थी? मेरा मतलब है, क्या उन्हें कोई कार्डियक का प्रॉब्लम था, हार्ट का, या फिर ब्लड प्रेशर, या फिर यू नो? सर मैं इस शो का ऑर्गेनाइजर हूँ और मैंने इस शो का मेडिकल इंश्योरेंस भी कराया था, इसलिए यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एके सर को कोई भी खतरनाक जानलेवा बीमारी नहीं थी। एके सर अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे। अच्छा, ये जो ये ट्रिक करने गए थे, क्या है क्या वो ट्रिक? सर बहुत ही मुश्किल ट्रिक थी, कुछ ही सेकंड में चार अलग अलग जगह दिखना था। चार चार अलग अलग जगहों पर दिखते थे कुछ ही सेकंडों में? सब कुछ ठीक चल रहा था सर, बस आखिरी बार एके सर नजर नहीं है। अच्छा, ये क्या है, क्या ये ट्रिक क्या है, और इसके पीछे राज क्या है? पता नहीं सर, आज पहली बार ये ट्रिक दिखाने जा रहे थे एके सर, इन्होंने इसके बारे में पहले कभी किसी से कुछ नहीं कहा। ये कैसे हो सकता है? नहीं बताया सर, उनको डर था कि उनका राज कोई उनके दुश्मनों को ना बता दे। इसकी प्रैक्टिस भी वो हमेशा अकेले में ही किया करते थे। आप में से किसी ने तो देखा होगा एके को, वो कब इस बॉक्स के अंदर छुपने गए? सर मुझे पता है, जब वो पहली बार स्टेज में आए थे तो वो ट्रक में गए थे, फिर उसके बाद वो तीन अलग अलग जगह पर कैसे दिखे हमें नहीं मालूम। अच्छा, आप लोगों को किसी पे शक है? सर एके जैसे नामी आदमी के बहुत दुश्मन हो सकते हैं। सचिन, एके के बारे में पूरी जानकारी निकालो, अच्छी तरह से पूछताछ करो, पता लगाओ क्या उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगड़ा था क्या। अच्छा, ये जो ट्रिक जो है, कितनी देर तक ये ट्रिक चलती थी? सर ये पूरी ट्रिक 2 से 2.5 मिनट की थी। उसके बाद आप लोगों ने इंतजार भी तो किया होगा ना उनके वापस आने का, फिर बॉक्स भी चेक किया होगा? हाँ सर, इंतजार किया था, उसमें कुछ समय लगा था। 2.5 मिनट की ट्रिक, उसके दौरान एके इस बॉक्स के अंदर छुपने गए, उसके बाद में कुछ सेकंड में वो तीन जगहों पर दिखाई पड़े, तीन जगहों पर, मगर चौथी बार दिखाई पड़ी तो उनकी लाश। ये सारा खेल कुछ ही समय का था। कुछ खाया पिया था उन्होंने खेल के पहले? नहीं सर, एके सर शो शुरू होने के 2 घंटे पहले कुछ भी खाना पीना छोड़ देते थे।
कुछ तो खाया होगा। सर यहाँ तो कुछ नहीं खाया पिया था, 2 घंटे पहले वो होटल में थे, शायद उन्होंने वहाँ कुछ खाया पिया हो। एक-एक होटल रूम अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उन्होंने वहां पर कुछ खाया पिया था क्या, और फिर यहाँ पर उनका मेकअप रूम, उनकी प्रॉपर्टी रूम, सब कुछ अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। हो सकता है खाने में से या फिर किसी चीज को छूने से भी जहर अंदर गया। Excuse me. हाँ सर, वेलकम सर, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आप लोगों की? एक ही जादूगर आपके होटल में रहते थे? हाँ सर, 401 नंबर में रुके हैं, लेकिन अभी वो है नहीं सर, अपने शो के लिए गए हैं। जी नहीं, शो के दौरान उनकी मौत हो गई। What? Yeah. पर हमें शक है कि आपके होटल में ही किसी ने उनके खाने में जहर मिला है। देखिए सर, बिना जांच किए हुए खाना किसी भी कस्टमर को हम नहीं देते। अच्छा, आज खाने में क्या ऑर्डर किया था? एक मिनट सर। सर नाश्ते में जूस और सैंडविच ऑर्डर किया था। अच्छा, जिस प्लेट में उन्होंने सैंडविच और जिस ग्लास में जूस पिया था वो भी उनके कमरे में है? नहीं सर, नाश्ते का ऑर्डर सुबह दिया गया था, अभी तक सारी प्लेटें धुल गई होंगी। इस कमरे की चाबी दीजिए। एक मिनट सर, सेंड्रा को भेजो। ओके सेंड्रा, 401 नंबर की रूम की चाबी दो। रूम नंबर 401 की चाबी? वो तो मैं कुछ देर पहले दे चुकी हूँ। क्या? हम जादूगर एक के कमरे की बात कर रहे हैं। जी सर, मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ, वो अभी मुझसे चाबी लेके अपने रूम में गए। ये कैसे हो सकता है? कौन हो सकता है? 401? 401 का? Oh my God, लिफ्ट तो गई ऊपर, सीढ़ियों से चलते हैं। दिमाग का इस्तेमाल करता हूं। सबको लगा फ्रेडी थक गया, लेकिन फ्रेडी कभी थकता नहीं है, किसी भी हालत में पहुंच ही जाता है। फ्रेडी, हाँफने का नाटक छोड़ो, सबको पता है तुम कैसे पहुंचे। लगता नहीं दरवाजा खोलेगा। एक काम करो, मैनेजर को लेके आओ चाबी के साथ। आइए, खोलिए, बोलो जरा। अंदर तो कोई नहीं है? एक मिनट फ्रेडी। जिंदा होके यहाँ कैसे आ सकता है? मुझे लगता है रिसेप्शन से जरूर कुछ भूल गई। नहीं सर, उसकी याददाश्त बहुत तेज है, उससे भूल हो ही नहीं सकती। हो सकता है ये आदमी कोई बेरुख हुआ था जो फेस बदल कर आया था। लेकिन जो कोई भी आया था यहाँ पे, वो आया क्यों होगा? हो सकता है उसका इरादा आने का कुछ हो, जो भी हो उसका इरादा पता चल जाएगा। मैनेजर साहब, CCTV फुटेज चेक कराइए। आज दोपहर का फुटेज दिखाओ। जी बैठ जाओ। दिखने में तो ये एक ही लग रहा है। एक मिनट, एक मिनट, कैसे हो सकता है? जूम करो सर। जी, ये तो एकदम जादूगर एक ही लग रहा है, वही कॉस्ट्यूम, वही लुक। कहिए एक की आत्मा तो नहीं है? सॉरी, मैं भूल ही गया था, आत्मा कैमरे में कभी नहीं दिखती। इसकी लाश को तो हमने एम्बुलेंस में फॉरेंसिक भिजवाया था। बड़ी काम करो, फॉरेंसिक में फोन करो, पता कैसे हो सकता है। हेलो सालूम के साहब, जादूगर एके की आत्मा, मेरा मतलब है जादूगर एके की लाश फॉरेंसिक लैब में आई है क्या? क्या कोई भी लाश नहीं आई? ठीक है, रखता हूँ। एके की लाश पहुंची ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? एम्बुलेंस तो लाश लेके गई थी। सालूम के साहब ने एम्बुलेंस वालों को फोन किया था,
मगर कोई फोन उठा ही नहीं रहा है। अब एक ही रास्ता है हमारे पास, इस एम्बुलेंस को ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन एम्बुलेंस की लोकेशन क्या बता रही है सर? आगे से 200 मीटर की दूरी पे दाएं मुड़ के है। अरे बीच सड़क पे एम्बुलेंस खड़ी है, संभाल क्या संभाल के। इन दोनों को तो गोली मारी है। ये भी मर चुका है, देखो ड्राइवर का क्या हाल है। और ये एक की लाश गायब है यहाँ से। लेकिन सर एक की लाश गायब कैसे हो सकती है, आखिर क्या था उसकी लाश में? लाश को इसलिए गायब किया होगा कि उसे लगा होगा कि उसके खिलाफ कोई सबूत मिल सकता हमको। सर ड्राइवर बेहोश है, सांसें चल रही है। पहला शुक्र है इसे गोली नहीं मारी है, सिर्फ घायल है। एक बार होश में आ जाएगा तो सब पता चल जाएगा। सर बोलो किसने किया सर? उसने रघुवर सिंह को मार दिया सर। घबराओ नहीं, आराम से शांति से। किसने किसने किया सर? बोलो सर मैं एम्बुलेंस लेके जा रहा था सर। ये रेडियो पर भी ना अजीब अजीब गाने आते रहते हैं, गोली की आवाज। अरे तुम तो मर चुके थे ना? तुम्हें क्या लगा कि मैं मर चुका था? मरा हुआ आदमी फिर से जिंदा कैसे हो सकता है? सर ये तो वही बता सकता है सर। ये क्या बोल रहे हो तुम, उसके पास गन कहाँ से आ सकती? लाश रखने से पहले हमने अच्छी तरह निश्चय किया था, तब तो कोई गन नहीं थी। ये एक जादूगर है, जादूगर चीजों को गायब कर देना और उसे फिर से वापस ले आना, ये तो उसका पेशा है। अजीब बात है, जिंदा होता है गन मंगाता है, एक लाश ये सब कैसे कर सकती है? वही तो निखिल, एक लाश ही हमारे पास सबूत था, वो भी गायब हो गई। एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। साळुंखे कुछ मिला क्या बॉक्स में से? अरे यार अभी ढूंढना शुरू किया और तुम आ गए यार, थोड़ा टाइम लगेगा ना यार। नहीं साळुंखे हमारे पास वक्त नहीं है, जो कुछ भी करना है जल्दी कर। अरे हाँ यार समझ में आ गया, जल्दी करना है लेकिन टाइम दो थोड़ा सा। देखो एक तो ये बॉक्स खाली दिखाई दे रहा है, अब खाली बॉक्स में से कुछ ढूंढना बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे मिट्टी में से तेल निकालना। तू रेगिस्तान में से पानी निकाल, मुझे कुछ लेना देना नहीं, आई वॉन्ट रिजल्ट, दैट्स ऑल। अरे आई विल गिव यू रिजल्ट बाबा, थोड़ा टाइम दो भाई। एक तो अजीब बात, एक लाश दो दो खून करती है और उसके बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर को मारती नहीं है, घायल करती है और गायब हो जाती है और उसके बाद उसके पास कहीं से गन आ जाती है। ये पहली बार सुना भाई, लाश ही चली गई। ये आवाज कैसी? विकी की आत्मा तो नहीं? पक्का जी, हिम्मत से काम लेना होगा, हिम्मत। क्या हुआ सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अबे तू इतनी जोर से चीखा कि मेरे कानों के पर्दे फट के बाहर आ गए। बाहर किधर आए, मुझे नहीं दिख रहे। कानों के पर्दे दिखाई नहीं देते, जब बाहर आते हैं ना तो सुनाई देना बंद हो जाता है। सर क्या सुनाई देना बंद हो जाता है, सुनते रहो मैं क्या कह रहा हूँ। अबे ये मैं था इसीलिए पर्दों को सिला के झट से कानों के अंदर डाल दिया, अगर मेरी जगह पे कोई और होता ना तो न जाने क्या हाल हो जाता उसका। सर मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंधे। पंकज अलमारी में कोई है सर, कोई लाश तो नहीं? देख 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 देख, जिंदा है पंकज, एसीपी सर को बुलाओ जल्दी। सर वहां ग्रीन रूम में एक लड़की लड़की मिली है सर। ग्रीन रूम? हाँ चलो मेरे साथ जल्दी कर। अरे हाँ भाई सुनो, ठीक तो है? हाँ सर, सर ये ठीक है नहीं। ये मीरा है हमारी क्रू असिस्टेंट। अरे यहां कैसे? मीरा तुम ठीक हो? हाँ बताओ
क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो प्रीति मेरा वो कुहू का एक्सीडेंट हो गया है। हर्षा कहाँ है कुहू? ये प्रीति कौन है? सर वो पहले हमारे साथ काम करती थी, बाद में सर ने उसको निकाल दिया। निकाल दी? लेकिन क्यों? वो एक सर की गर्लफ्रेंड थी, उनकी किसी बात को लेकर अनबन हो गई, इसीलिए शायद उन्होंने उसको निकाल दिया। अरे तो फिर वो यहाँ क्या कर रही थी? सर जब हमको पता चला कि मीरा कुहू से मिलने हॉस्पिटल गई है, तो हमने प्रीति को सिर्फ एक दिन के लिए मजबूरी पर काम पर रखा। ये प्रीति इस वक्त कहाँ है? कहाँ है प्रीति? सर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। पता नहीं कहाँ गायब हो गई? लेकिन सर हम प्रीति को किस गुनाह के लिए गिरफ्तार करेंगे? एके तो यहाँ से वहाँ घूम रहा है। फ्रेडी प्रीति एके की गर्लफ्रेंड थी। ये एके का मरना और उसके बाद में फिर से जिंदा होना, इसके पीछे का राज ये जरूर जानती है। मुझे तो शक है एके को मारने के पीछे इस प्रीति का हाथ है। हेलो, कौन? ठीक सर। हाँ? एके का राइवल प्रसन्नजीत ऑडिटोरियम में इंतजार कर रहा है सर, कुछ बताना चाहता है उसके बारे में। जादूगर एके का राइवल जादूगर प्रसन्नजीत? आप प्रसन्नजीत हैं? जी सर। क्या बताना चाहते हो एके के बारे में? सर उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। जान से मारने की धमकी? कब? ये तकरीबन 2 घंटे पहले। वो मेरे शांति पाड़ा वाले वर्कशॉप पे आया था और उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसके शो में हंगामा किया है, वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन सर 2 घंटे पहले एके होटल में दिखा था। तकरीबन 11 बजे वो एम्बुलेंस से निकला और उसके बाद 11:40 पे होटल में दिखाई दिया था। प्रसन्नजीत ये शांति पाड़ा वाला वर्कशॉप कितनी दूरी पर है? जी लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ठीक है आप जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। सचिन सोचो जरा, प्रसन्नजीत ने बताया कि एके उसके पास लगभग 12 बजे आया था, 2 घंटे पहले, मतलब 12 बजे उसे धमकी देने के लिए शांति पाड़ा में, और शांति पाड़ा है 30 किलोमीटर की दूरी पर। 11:40 को एके अपने होटल के पास भी दिखा था, तो 20 मिनट में क्या ये 30 किलोमीटर गया? वही तो सर, जिस तरह का ट्रैफिक है उसमें कम से कम इतनी दूरी तय करने में 40 से 45 मिनट तो लगेंगे सर। वही तो। और सर लगभग एक ही वक्त पे वो 2 जगह पे कैसे हो सकता है? कहीं ये एके का कोई जुड़वा भाई तो नहीं है? सर हमने क्रू मेंबर से भी पूछताछ की, उनका कहना है कि उसके किसी भी भाई के बारे में वो लोग कुछ नहीं जानते सर। पता लगा दे। रेडी, इस एके के गांव में फोन करो, देखो उसके घर में कोई है क्या जो हमें बता सके कि एके का कोई जुड़ा भाई है भी या नहीं। हेलो, कौन? अच्छा अच्छा, तो तुम एके साहब के घर में काम करते हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे साहब का कोई जुड़वा भाई है क्या? नहीं पता? हाँ बोलो। क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। सर एके के घर में काम करने वाले ने बताया कि एके का कोई जुड़वा भाई नहीं है, और उसने ये भी बताया कि एके थोड़ी देर पहले घर में आया था और अभी भी निकला है। क्या एके अपने गांव में भी दिखा था? हाँ। ये कैसे हो सकता है? उसका गांव तो यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। एके इतने समय में 3-3 जगह पे कैसे दिखाई दे सकता? ये तो। हेलो, हाँ क्या प्रीति के घर का पता चल गया? हाँ कहाँ पे? ठीक सर, प्रीति के घर का पता चल गया, उसका घर मुलियाबाड़ी में सर। ये प्रीति, प्रीति ही गड़बड़ है। प्रीति मुलियाबाड़ी। मैडम हम लोग CID से, हम प्रीति से मिलने आए हैं, है घर पर? CID? जी। लेकिन प्रीति दीदी घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए। चल। श्रेया ये घर तो बिल्कुल खाली है। हाँ सर। हाँ
लगता है यहाँ से बहुत जल्द ये लोग कहीं और शिफ्ट करने वाले हैं। ये भी तो हो सकता है कि किसी बड़ी मुसीबत में हो जिसकी वजह से ये हालत है। एक काम करो, घर को अच्छी तरह से देखो। देखो सर, आइए देखिए। बेटा अंजलि, कौन है ये बेटा? ये मेरे भैया है। भैया है? क्या क्या हुआ है इन्हें? इन्हें पेट का कैंसर हुआ है, इनका इलाज चल रहा है। पेट का कैंसर हुआ है तो फिर इनके इलाज के लिए खर्चा भी बहुत हो रहा होगा। दरअसल हमने इनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया, इलाज के लिए बहुत खर्चा हो रहा है, इसीलिए घर का सामान बेच बेच कर कैसे चल रहे है। प्रीति दीदी भी दिन रात पैसे जुटाने में लगी हुई है। देखा, मैं तो कहता हूँ हर किसी को अपना हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना चाहिए तो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज आसानी से हो सकता है। आजकल की असुरक्षित जिंदगी के लिए सुरक्षा का नया नजरिया है ये हेल्थ इंश्योरेंस। अंजलि बेटा घबराओ मत, तुम्हारे भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम लोग है ना। गुड गर्ल। अंजलि, क्या तुम्हें पता है प्रीति दीदी कहाँ है? कुछ बता के गई है तुम्हें? बाहर जाते वक्त मैंने उनकी फोन पर की बात सुन ली थी, किसी हजरतगंज क्रॉसिंग के उधर किसी गोडाउन के बारे में बात कर रही थी। हजरतगंज क्रॉसिंग, किसी गोडाउन के पास। मेरे पैसे कहाँ? अरे मिल जाएंगे मैडम जी, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे जल्दी है, जितने पैसों की बात हुई थी मुझे मेरे पैसे दो। गिनने की जरूरत तो नहीं है ना? मुन्ना लेन देन के मामले में बहुत ईमानदार है। हाँ अगर आप चाहो तो गिन भी सकते हैं। ये क्या मजाक, पैसे कहाँ हैं? तुमने जितना काम किया था उसके हिसाब से तो ये भी बहुत ज्यादा है। क्या बक रहे हो, मुझे मेरे पैसे चाहिए, जो तुमने कहा था मैंने किया। तो फिर एके कैसे जिंदा है? मुझे नहीं पता, मैंने अपना काम कर दिया, अब चुपचाप मुझे मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं सीआईडी को सब कुछ बता दूं। अरे अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर जाओगे तभी तो सीआईडी को कुछ कुछ बता पाओगी। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, नहीं चाहिए मुझे पैसे। अब तुम्हारे पास मरने के अलावा यहाँ से बच के जाने का और कोई रास्ता ही नहीं है। गोली की बुलाई, सुन जाओ। अपनी बंदूकें फेंक दो, तुम्हें गोलियां सीने में चलेगी। बहुत हो गया गोली बंदूक का खेल, हाथों पर घुटने जमीन पे, चल। अरे हम तो आपसे मिलने आए थे और आप यहाँ छुपी हुई हैं। चलो मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं मजबूर थी। मजबूर थी, सुन लिया, मजबूर थी ये, इसलिए इसने ये रास्ता अपनाया है? मैं मानती हूँ सर, मैंने गलत रास्ता अपनाया, पर मुझे काफी पैसों की जरूरत थी जो गलत रास्ते से ही मिल सकते थे। मीरा को बेहोश करने के बाद तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिल जाते? सर ये मुन्ना ने मुझे मीरा को बेहोश करके उसकी जगह लेने के लिए कहा था, और सर इसने मुझे
ये भी दिया कि जब एक के ट्रंक में जाए तो उसको ये इंजेक्ट कर देना। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। चुप। सही है, तो बेहोशी की दवा है। तो एक के इस दवा से बेहोश हुआ, फिर एक के मरा कैसे? तो ये बात है। क्या बात है डॉक्टर साहब? ये देखो, किसी ने एक बॉल छिपा करके रखा है इस बॉक्स की लकड़ी की पट्टी के नीचे। लेकिन ये तो एक छोटा सा बॉल है सर, इससे गैस कैसे निकलेगी? किसी ने बहुत ही चालाकी वाला तरीका अपनाया है। क्या मतलब? मतलब ये फ्रेडी, देखो ये जो बॉल है इसके साथ ये देख रहे हो, ये एक ट्यूब जुड़ी है, और ये ट्यूब, ये देखो, ये जा रही है इस बॉक्स के इस ढक्कन के पीछे। अब होता यह है कि जैसे ही ये ढक्कन बंद होता है, ढक्कन का प्रेशर इस ट्यूब पर पड़ता है, ट्यूब दबती है, और ट्यूब के दबने की वजह से ये वॉल्व दबता है, और इस वॉल्व में जो गैस है वो बाहर निकलती है। ये गैस कौन सी है? एक मिनट, अरसाइन, अरसाइन गैस है, बहुत ही जहरीली गैस होती है। तो एक की मौत इस जहरीली गैस से हुई है। लेकिन इसमें एक पेच है सचिन, इस गैस का असर होने में 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है। मरने से पहले अगर वो 5-7 मिनट तक छटपटाया होगा तो उसकी आवाज किसी ने सुनी कैसे नहीं? हो सकता है फिर भी वो बेहोश हो। मारा कैसे उसे? मुझे नहीं पता सर, मुन्ना ने मुझसे जितना कहा मैंने सिर्फ उतना किया। झूठ बोलती है साहब। अगर ये झूठ बोल रही है फिर यहाँ तक कैसे पहुंची? सर ये वो, जल्दी बता। 1-2 नहीं नहीं नहीं, बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। सतीश जी ने हमें सुपारी दी थी एके को मारने के लिए। एके का मैनेजर सतीश? ये सारा खेल वो खेल रहे हैं। अस्तीन का सांप सतीश। सतीश का फोन बंद आ रहा है। बंद आ रहा है? सतीश पहले नजरें बचाकर ऑडिटोरियम से भागा और अब फोन भी बंद करके बैठा। सर हमने उसके घर पे भी जाके चेक किया था लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ है। सर ये मैनेजर एके के साथ काफी समय से काम कर रहा था, फिर उसने इसे मरवाने की कोशिश क्यों की होगी सर? हो सकता है कोई पुरानी दुश्मनी हो, या फिर अभिजीत किसी ने पैसे दिए एके को मारने के लिए। हाँ मगर ये एके मरने की बजाय जगह जगह दिखाई दे रहा है और अपने आप को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। वही तो चौंकाने वाली बात। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। क्या हुआ सर? ये मैनेजर नया मैजिक शो कर रहा है। क्या? और उसका मैजिशियन कौन है पता है? कौन है सर? एक है। शकुंतला ऑडिटोरियम चलते हैं, दोनों को पहुंच लेते हैं। सर महान जादूगर एके के चाहने वालों, एके यहीं पे है इसी ऑडिटोरियम में, और वो भी बिल्कुल जिंदा। जिसके इतने चाहने वाले हो वो कभी गायब नहीं हो सकता। गायब होना और गायब होने के बाद फिर से दिखाई देना, यही तो एके का जादू है। तो लीजिए महान जादूगर एके आपके सामने वही जादू पेश करते हैं जिसमें वो एक जगह से गायब होकर 4 अलग अलग जगहों पर मौजूद होंगे। जल्दी से मैनेजर को उठाओ, देखो कहां पर है वो। किसने किया ये? किसने किया? बोलो कौन? कौन? बोलो। गॉड, हम सोच रहे थे ये सारा खेल मैनेजर खेल रहा है, मगर यहाँ इसे को किसी ने मार डाला। इसका मतलब ये सारी साजिश किसी और की है।
जादू वादू स्टेज पे अच्छा लगता है, सीआईडी के सामने कोई जादू नहीं चलता। चल चल उठ उठ एके, चल बताओ क्या चक्कर है ये, क्या है क्या ये मैजिक ट्रिक? सो एक और भी है। मैनेजर कहाँ है? सर उसे तो किसी ने गोली मार दी। क्या क्या चल रहा है जादूगरों, क्या चल रहा है ये सब? अभिजीत ये लाथों के भूत है, ऐसे नहीं मानेंगे। उतारो अपने अपने नकाब। तो बताओ किसके कहने पर कर रहे हो ये सब? मैनेजर ने कहा था सर, जो लोग भी एके को जानते हैं पहचानते हैं उनके सामने एके बन करके जा, ताकि लोगों को लगे कि एके मरा नहीं है, जिंदा है। हाँ सर, मैनेजर ने एके के सारे शोज के कॉन्ट्रैक्ट एक साथ करा लिए थे और एके के मरने के बाद मैनेजर काफी परेशान हो गया, इसलिए वो हम लोग का इस्तेमाल करके ये सारे शोज पूरा कराना चाहता है। एम्बुलेंस में से एके की लाश भी तुम लोगों ने गायब की? जी सर। अभिजीत इस सब के पीछे जो भी कोई है ना, वो जानता था कि एके मैजिक ट्रिक से पहले उस बॉक्स में घुसता है और इसीलिए उसने पहले से इंतजाम करके रखा था उस गैस वाल्व का, ताकि एके मर जाए। सर ये मैनेजर ही तो जानता था सर, लेकिन उसे भी किसी ने मार दिया। लगता है ये कोई ऐसा आदमी है जो मैनेजर की बहुत ही करीब हो। जयवंत जरा मैनेजर का फोन देना। आखिरी कॉल इसका आया था सर ये? अभिजीत जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। चलो हम भी एक छोटा सा जादू का खेल खेलते हैं इसके साथ। आप यहां? ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ये? क्यों बहुत खेल खेल रही थी ना दुनिया के साथ, सोचा हम भी तुम्हारे साथ एक छोटा सा खेल खेल। मैंने क्या किया? ये तो तुम ही बताओगी। कुछ भी तो नहीं किया मैंने। तो फिर भागे क्यों मुझे देखकर? देखो मीरा, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, छुपाने से कोई फायदा नहीं। हमारा खेल अब खत्म। बताओ क्यों मारा तुमने एके को? क्योंकि मैं एके से बदला लेना चाहती। मेरी बहन मेघना एके के मैजिक शो में एक टॉप गर्ल के तौर पर काम करती थी। कुछ साल पहले एक शो के दौरान क्रू मेंबर्स और एके की लापरवाही की वजह से एक तार से लटकते हुए उसकी जान चली गई थी। एक एक्सीडेंट की वजह से तुमने एके की जान लेने की ठान ली? वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एके की लापरवाही थी। रिहर्सल के दौरान सेफ्टी नेट का यूज ही नहीं किया था और एके ने अपनी ये गलती छुपाने के लिए झूठा बयान दिया कि मेरी बहन ने ड्रग्स लिया हुआ था और उसने ये सब साबित भी कर दिया। उसी समय मैंने कसम खाई कि कुछ भी हो जाए मैं एके को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और एके की जान लेने के लिए तुमने उसका मैनेजर सतीश, उसको भी अपने साथ मिला लिया पैसे की लालच दिखाकर। वो मैनेजर चाहता था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट किए हुए सारे शोज खत्म करने के बाद अपना बदला लूं,
पर मैं एके को शो के दौरान सबके सामने मारना चाहती। और इसके लिए तुमने मुन्ना के साथ मिलके प्रीति को भी फंसा लिया। हाँ, प्रीति एके के साथ पहले भी काम कर चुकी, वो मेरी जगह आसानी से ले सकती थी। और उस बॉक्स में जहरीली गैस का वॉल्व मैं पहले ही फिट कर चुकी थी। प्रीति ने सही समय पे एके को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। और जैसे ही तुम्हारा बदला पूरा हो गया, तुमने मैनेजर सतीश को भी खत्म कर दिया। हाँ, क्योंकि इस मैनेजर ने एके के साथ मिलकर मेरी बहन पर लगाए हुए सारे आरोपों को साबित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। कैसे छोड़ देती मैं उसे? बदले की आग में तुमने दो लोगों की जाने ली। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी होगी तुम्हें, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।